वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी में क्लास 10th CBSE NCERT का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से का पार्ट है ये, इट इज़ द पार्ट ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, मेनली हमको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है। पहली चीज़ कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेन फंक्शन क्या है इसका। दूसरी चीज़ ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं या फिर हमको ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ना है। और तीसरी एक चीज़ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो मेनली हम ये तीन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे बॉडी में रोल क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, या सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड क्यों है हमारे बॉडी में। ठीक है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, परिसंचरण, मतलब सर्कुलेट करना। विद इन आवर बॉडी थिंग्स नीड्स टू बी सर्कुलेटेड। जैसे हमारे बॉडी में सपोज करो हमने फूड खाया, तो फूड हमारे स्टमक में गया, डाइजेस्ट होने के बाद वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचना चाहिए, है ना। तो हर पार्ट तक उसे पहुँचाना, सर्कुलेट करने का काम जो है वो कौन करेगा, हमारा ब्लड करेगा। इस ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट पंप करता है, राइट। तो हमारे बॉडी में किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, ठीक है, जैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द सेल्स एंड द टिश्यूज, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो मेनली हमारे बॉडी में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, हमारे ब्लड का। ठीक है, थिंग्स गेट ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी थ्रू ब्लड, ठीक है, और इस ब्लड को लगातार पंप करने में, हमारे बॉडी में सर्कुलेट कराने में हेल्प कौन करता है, हार्ट। और हार्ट के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो पहले हम लोग ब्रीफली ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हार्ट से लगी हुई जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड वेसल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है, ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, वो फंक्शन क्या क्या करता है। ब्लड के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, राइट। इसके अलावा सबसे पहले हम ये फंक्शंस देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल क्या है, व्हाई डू वी नीड सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, सबसे पहली चीज़ इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन। सबसे मेन फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्टेशन। तो अब बात आती है कि ये What are the substances that chiefly get transported through our circulatory system? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले किस चीज़ का होगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। इस फूड से एनर्जी बनाने के लिए हमको गैसेस चाहिए, तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। इसके बाद गैसेस के अलावा और क्या, हमारे फूड में, हमारे बॉडी के अंदर लगातार बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होते हैं, जैसे फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, ये तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में समझ लिया था कि वो वेस्ट मटेरियल कैसे एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक। इसके अलावा जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल की तरह जनरेट होता है, ये हमारे नोज़ के थ्रू गिवन आउट हो जाता है। तो जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, द थिंग्स दैट नीड्स टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड, ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो दूसरी चीज़ किसका, ये किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक, ठीक है। तो मेनली ये तीन फंक्शन चीफली करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का होना ज़रूरी है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करता है, हाउ डज इट वर्क, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, तो मैं बता दूँ, सबसे पहला पार्ट हम लोगों का हार्ट है। हार्ट के बारे में हमको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ब्लड को पंप करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या समझनी है कि ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू होके, ब्लड वेसल्स आर दोज वेज, या फिर हम डक्ट कह सकते हैं, ठीक है, ये वो डक्ट हैं जिसके थ्रू ब्लड हमारे बॉडी के हर पार्ट में पहुँचता है,
ठीक है। और तीसरी चीज़ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के कितने सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। इतना पढ़ेंगे, 2 से 3 वीडियो के अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम हम समराइज कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाय द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में देखते हैं कि हार्ट किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर फंक्शन कर रहा है, हार्ट का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट स्टार्ट करने के पहले हम हार्ट के लोकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि वेयर इज़ हार्ट एग्जैक्टली लोकेटेड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो हार्ट की लोकेशन हमारे बॉडी के अंदर क्या है, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। व्हाट इज़ थोरेसिक कैविटी, हमारे रिब्स हैं, ये पीछे हमारे बैकबोन से अटैच्ड हैं, आगे एक स्टर्नम नाम की हड्डी है उससे हमारे रिब्स अटैच्ड हैं। तो इसके बीच में जो स्पेस होती है, द स्पेस दैट लाई बिटवीन द थोरेक्स रीजन, ठीक है, हमारे छाती के बीच में हमारे लंग्स सिचुएटेड होते हैं और लंग्स के बीच में हमारा क्या है, हार्ट सिचुएटेड है। तो हमारे हार्ट की लोकेशन क्या होगी, द लोकेशन ऑफ आवर हार्ट इज थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में हमारा हार्ट सिचुएटेड है। तो थोरेसिक कैविटी में हार्ट एग्जैक्टली कहाँ सिचुएटेड है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स, लेफ्ट और राइट लंग के बीच में ये सिचुएटेड होता है, और जो हमारी लेफ्ट वाली लंग है ये उस तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। इसके अलावा हार्ट की अगर बात करूँ, इसके वेट की बात करूँ, तो मेल्स में जनरली हार्ट का वेट 280 ग्राम से 340 ग्राम तक होता है, और फीमेल्स में ये 230 ग्राम से लेके 280 ग्राम का हो सकता है, राइट। तो अब हार्ट के मसल्स की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हार्ट किस टाइप के मसल्स का बना हुआ है, आवर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मायोकार्डियल मसल्स, मायोकार्डियल मसल्स, मायोकार्डियल मसल्स, ठीक है। हमारे हार्ट के बाहर 3 लेयर्स होती हैं, देयर आर 3 लेयर्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द हार्ट। यहाँ पे मैंने वो तीनों लेयर्स दिखाई नहीं है, लेकिन मैं आपको जानने के लिए वो तीनों लेयर्स के नाम लिख देता हूँ, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, जिसमें से जो एपिकार्डियम है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली मिडिल लेयर है, और एंडोकार्डियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडो एपिकार्डियम के बीच में एक प्रॉपर थोड़ी सी स्पेस होती है, उसके अंदर स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम क्या है, मायोकार्डियल फ्लूइड, मायोकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। मायोकार्डियल फ्लूइड से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। मायोकार्डियल फ्लूइड हमारे हार्ट के लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ये वर्क कैसे करता है, इट वर्क्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ये काम क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय शॉक एब्जॉर्बर, हमारा हार्ट लोकेटेड है रिब्स के बीच में, ठीक है, हमारा हार्ट लगातार पंप करता रहता है, तो कभी कभी चांसेस होते हैं कि हार्ट की वॉल्स हो सकता है किसी मैकेनिकल शॉक के वजह से उनको कोई मैकेनिकल शॉक जल्दी उनके अंदर तक ना पहुंचे, बहुत डीप तक ना पहुंचे, तो ये मायोकार्डियल फ्लूइड शॉक को एब्जॉर्ब करता है और हल्के फुल्के मैकेनिकल जर्क से हमको बचाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा देर जोर से कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा हार्ट जोर से पंप होता है, तो कभी कभी चांसेस होते हैं कि वो लंग्स के वॉल्स के साथ टकरा जाए या फिर रिब्स के साथ टकरा जाए, तो उस टाइम पे ये मायोकार्डियल फ्लूइड इन शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है और हार्ट के अंदर तक पहुंचने से रोकता है, ठीक है। तो मायोकार्डियल फ्लूइड का ये फंक्शन है। नाउ लेट अस बिगिन विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हार्ट हमारा कितने चैंबर से मिलके बना हुआ है, आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैंबर्स, ठीक है। 4 चैंबर्स में क्या, ये हमारा है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल के नीचे प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, दिस इज आवर राइट ऑरिकल, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल,
दिस इज आवर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज आवर राइट ऑरिकल, ठीक है। तो हमारा हार्ट जो है वो फोर चैम्बर से मिलके बना हुआ है। अब हमको ये समझना है कि हार्ट के किस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उनको लेके कौन सी वेन्स आ रही हैं या कौन सी ब्लड वेसल्स उनको हार्ट तक लेके आ रही हैं, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक कौन लेके जा रहा है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में वापस कैसे आ रहा है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स तक किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ हमको ये समझनी है। तो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ दैट राइट साइड ऑफ आवर हार्ट, जो हमारे हार्ट का राइट वाला साइड होता है, मतलब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज गोइंग टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऐसा ब्लड जिसके जो क्या है ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले से आपके आसानी के लिए बना देता हूँ, ये ऐसा ब्लड कैरी करेगा जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड तक कौन कौन सी ब्लड वेसल्स लेके आती हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एट्रियम से, ठीक है। कौन से एट्रियम से, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम हार्ट का वो वाला चैम्बर है, राइट एट्रियम इज दैट पर्टिकुलर चैम्बर इन साइड अवर हार्ट विच इज़ गोइंग टू रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, बॉडी के हर हिस्से से, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो लंग्स हो, है ना, चाहे वो हमारे लेग्स हो, ठीक है, हर जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके आएगा किस पार्ट में, हार्ट के राइट ऑरिकल वाले पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा असेंबल होता है, ठीक। तो इसको लाती कौन है, तो मेनली देयर आर थ्री ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट ऑरिकल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये जो पहले ऊपर वाली ब्लड वेसल बनाई है इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर बॉडी से लेके आएगा। अपर बॉडी का यहाँ पे ये मतलब है हार्ट के ऊपर वाले पार्ट, जैसे ब्रेन, चिक्स, आईज, ईयर्स, इन सारे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में लाके पोर करने का काम किसका है, सुपीरियर वेना केवा। अब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ले लो, जैसे इंटेस्टाइन, लेग्स, लिवर, पैनक्रियाज, इन सारे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो ब्लड वेसल्स पढ़ी, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। एक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, एक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस ब्लड, दिस वेसल इज कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस। इस ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे कोरोनरी साइनस। This coronary sinus is going to bring deoxygenated from walls of the heart. Heart है, heart भी oxygen use करता है, लगातार pump करते रहता है। तो heart का जो deoxygenated blood होगा उसको लेके कौन आएगा, coronary sinus। तो right auricle में हमने तीन blood vessels पढ़ी जो deoxygenated blood को right पूरे body part से ला के right auricle में pour करता है। पहली ब्लड वेसल क्या है, सुपीरियर वेना केवा, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इन्फीरियर वेना केवा, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड कोरोनरी साइनस इस इज गोइंग टू ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द हार्ट। राइट ऑरिकल्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले राइट ऑरिकल में आके कलेक्ट होता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू गेट एक्यूमुलेटेड इनटू द राइट वेंट्रिकल। लेकिन ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व आता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिस पोर्शन, ये जो वॉल्व वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिस एरिया इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व, या कहीं कहीं आपको
राइट ऑरिको वेंट्रिकुलर वॉल भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर थ्री कस्प प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से आपको तीन कस्प मिलेंगे या फिर तीन दरवाजे मिलेंगे। ये तीनों दरवाजे जब ओपन होते हैं, तीनों कस्प जब ओपन हो जाते हैं, तो ब्लड राइट ऑरिकल से मूव करके राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारे राइट वेंट्रिकुलर वाले पोर्शन में कलेक्ट होगा, राइट। अब राइट वेंट्रिकल को इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके लंग्स तक पहुंचाना है, किस लिए? ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए और इस ब्लड में जो हमने एनवायरनमेंट से इनहेल किया है एयर, उससे सारा ऑक्सीजन वाला पार्ट आ जाए, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल वो पार्ट है जहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स को जाता है। कौन किस टाइप का ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। सपोज करो ये हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने वाली ब्लड वेसल का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो ब्लड वेसल लेके जा रही है, कहाँ पे? लंग्स पे लेके जा रही है। तो इस ब्लड वेसल का नाम क्या है? इट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये एग्ज़ाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है? कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। हार्ट के कौन से पार्ट से ले जाता है? दैट इज द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे। वॉल्व्स क्या प्रिवेंट करता है? कहीं भी वॉल्व्स प्रेजेंट है तो वो एंश्योर करता है कि ब्लड का जो मूवमेंट हो वो यूनि डिरेक्शनल हो। अब देखो ब्लड को यहाँ अगेंस्ट द ग्रेविटी पंप करके ऊपर तक ले जाना है, तो एक बार ये ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्लड इस ब्लड वेसल्स में भर जाता है और लंग्स तक पहुंच जाता है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ये ब्लड कभी इस रास्ते वापस ना आए, वापस से वेंट्रिकल्स में ना आए, इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए ये जो वॉल्व्स होते हैं ये क्या कर देते हैं? उस रास्ते को या फिर उस वे को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्व्स हमारे पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। इनको हम क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, इनका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड की जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो यूनि डिरेक्शनल हो, सिर्फ एक डायरेक्शनल में। अगर ऊपर जा रही है तो सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए, कभी वापस उस रास्ते वापस नहीं आना चाहिए। तो इस यूनि डिरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ब्लड को एंश्योर करने के लिए हमारे ब्लड वेसल्स में, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, दे विल एंश्योर द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट देखेंगे जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब लंग्स में प्यूरीफाई होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकल गया, अब जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। तो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ये हमारे बॉडी के या हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में आएगा। सो द लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमें इसमें यह समझना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड में कौन से चैम्बर में आता है, ब्लड वेसल्स कौन से इन्वॉल्वड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आती हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स का नाम क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, राइट। तो नाउ लेट अस सी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सपोज करो यहाँ से हमने समझ लिया था कि डीऑक्सीजनेटेड लंग्स को कौन लेके जा रहा था? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है।
तो अब लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये हमारे हार्ट में आएगी, तो हार्ट के किस पार्ट में आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू कम इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, तो लेफ्ट ऑरिकल का फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया? इट विल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? तो हार्ट का वो हिस्सा कौन सा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? डेट इज़ द लेफ्ट ऑरिकल। अब नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में लेके आने वाली ब्लड वेसल का नाम क्या है? तो ये हो गई पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो ये क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, कहाँ पे लेके आएगी? लेफ्ट ऑरिकल में लेके आएगी। कहाँ से लेके आएगी? लंग से लेके आएगी। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में लाने वाले या फिर हार्ट में लाने वाली ब्लड वेसल का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन, ठीक है? आपको ये याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लेके जाती थी और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस लेके आती है, ठीक है? नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू गेट फिल्ड इनसाइड द ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो गया। अब जैसे ही ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल्ड अप हो जाएगा तो ऑरिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा कहाँ पे? हमारे वेंट्रिकल्स में, ठीक है? रास्ते में ये एक और वॉल्व आएगा, इस वॉल्व का नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन यहाँ पे क्या है? वॉल्व का फंक्शन हर जगह एक ही होता है कि ऑरिकल से जो ब्लड एक बार पंप होके वेंट्रिकल्स में आ गया, ये किसी भी हालत में वापस ऑरिकल्स में वापस ना जाए। तो ये क्या करेगा? क्लोज कर देगा वे को, ठीक है? तो इट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। अच्छा, यहाँ पे बाइकस्पिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके कस्प बस दो ही होंगे। जैसे ट्राइकस्पिड में हमने देखा था कि दो थ्री कस्प प्रेजेंट थे, यहाँ पे थ्री कस्प प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ दो कस्प ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है? राइट। अब हमको क्या समझना है? अब वेंट्रिकल्स में पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ जाना है? दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीड्स टू बी टेकन टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है? जैसे लिवर, स्टमक, लेग्स, ठीक। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कौन करेगा? यहाँ से एक वाइड ब्लड वेसल निकलती है, इस ब्लड वेसल का नाम हुआ क्या? ऑरोटा। ऑरोटा, ठीक है? तो ये ऑरोटा क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है? बॉडी के सारे पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम किसका है? ऑरोटा का, ठीक। तो ये टोटल सर्कुलेशन था, हार्ट का सर्कुलेशन था, किस तरीके से किस चैम्बर में कौन सा ब्लड आता है और उसको कौन लेके आता है। तो जल्दी जल्दी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक। तो देयर आर टू पार्ट्स इन आवर हार्ट, ठीक है? ये जो बीच वाला एरिया है या जो टिश्यू है, इसको सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम हमारे हार्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, राइट। तो राइट ऑरिकल इज गोइंग टू एक्यूमुलेट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? तो राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने वाली ब्लड वेसल्स तीन है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस, ठीक है? अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल्स इसको पंप करके लंग्स के पास पहुंचाता है डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, ठीक है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से पंप कौन करेगा या फिर उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? दिस वेन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गया। नाउ द पल्मोनरी वेन या फिर पल्मोनरी वेन जो ब्लड वेसल्स है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आएगा। विच पार्ट? इन द लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल इज गोइंग टू रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है?
अभी ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारे बॉडी पार्ट्स में पंप आउट हो जाएगा, तो ब्लड वेसल कौन सी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगी, दैट इज़ द ओरोटा। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन था हार्ट का, हार्ट किस तरीके से फंक्शनिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका डबल सर्कुलेशन का बताएंगे, ठीक है, कंडक्शन किस तरीके से करता है हार्ट इसके बारे में बताएंगे, बाकी ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम की एक और वीडियो आएगी।